मंच पर जनसभा के दौरान जेब से निकालकर खा रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पीएम मोदी की अचानक नजर पड़ी तो सहम गए। देखे वीडियो। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश निवेदिता के साथ। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा की। शिवराज सिंह चौहान राजनीति के साथ सामाजिक कार्यों में भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दो दिन पहले 11 अक्टूबर दिन मंगलवार को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करना था। पीएम मोदी को इसका उद्घाटन शाम करीब 7 बजे करना था। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दोपहर को ही उज्जैन पहुंच गए। पीएम मोदी के कार्यक्रम में इतना व्यस्त रहेगी वे भोजन भी नहीं कर पाए। मंगलवार शाम 6 बजे पीएम मोदी उज्जैन पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल लोक का बटन दबाकर लोकार्पण किया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान भी साथ में मौजूद थे। इसके बाद शाम करीब 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्जैन में ही एक जनसभा को भी संबोधित करना था। मंच पर पीएम मोदी के बगल की कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान भी बैठे थे। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण शुरू होने वाला था, इसी दौरान शिवराज सिंह चौहान को भूख लगी थी। उन्होंने चुपचाप अपनी जेब से कुछ पिस्ता या काजू निकाला। इस बीच माइक से जनसभा को संबोधित करने के लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम बोला गया। उसी दौरान शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जेब से काजू या पिस्ता निकालकर खा लिया। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान खा रहे थे वैसे ही पीएम मोदी की नजर उनके चेहरे पर पड़ गई। इसे देखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहम गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें तमाम यूजर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि बाद में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा की, जिसके बाद सीएम चौहान गदगद नजर आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत।